आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस, और एमएस एक्सेस डेटाबेस पे हम डिस्कस करेंगे क्यूरी की, सीक्वल क्यूरी किस तरीके से हम यूज करते हैं क्यूरी में। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लास्ट क्लास में बताया था कि क्यूरी का यूज हम सीक्वल और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म और बाकी चीजों पे भी हम इसका डिस्कशन करते हैं, राइट सर। तो जैसे कि आपके सामने डेटा है और हमने लास्ट क्लास में आपको सेलेक्ट क्यूरी बताया था। सेलेक्ट क्यूरी में हमने आपको बताया था किस तरह से आप सेलेक्ट क्यूरी में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, आप जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गई, कंडीशंस कैसे लगाएंगे, इन सब चीजों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, राइट सर। अब हम बात करते हैं क्यूरी के अंदर में। अच्छा, हम क्यूरी में हमने सिलेक्ट क्यूरी और नॉर्मल क्यूरी तो मैंने समझा ही दिया था। डिजाइन क्यूरी में एक और यहाँ पे आपके सामने हमने आई थिंक इस सब चीजों पे क्लिक नहीं किया था, ये सब नहीं पढ़ाया था ना आपको, कि पढ़ाया था? नहीं सर, ओके, तो चलिए पहले इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेके टेबल, राइट सर। मेके टेबल क्या हुआ कि जैसे कि आप क्यूरी रन करते हैं, क्यूरी वन को रन किया, तो ये क्यूरी वन जो है पार्ट ऑफ प्रीव्यू है आपके डेटा का। आपके डेटा क्या है? प्रीव्यू है। मैं चाहता हूं कि जब मैं क्यूरी रन करूं तो मेरा एक नया टेबल बन जाए, वो मेरा डेटा को प्रीव्यू न दिखाए, उस केस में हम मेके टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिजाइन कैसे देखिए, तो मैं एक काम IMQ को लेता हूं और यहां पे मैं मेके टेबल पे सिलेक्ट करता हूं। टेबल नेम क्या होना चाहिए? देखिए, टेबल नेम अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा, टेबल नेम अपने हिसाब से डालिएगा। जैसे हमने यहां पे डाल दिया, मान लीजिए पूजा, एंड ओके कर दिया। और फिर हमने बोला कि मुझे इसमें सी नेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, और चाहिए क्या, सिटी। और यहां पे यस कर दिया Qt3। तो जैसे हम Qt3 को रन करेंगे, यहां पे यस करेंगे, पूजा नाम का यहाँ एक नया टेबल बना दिया और इसमें हमारा जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे डाल दिया। लेकिन मुझे इसमें यूज करना है कंडीशन, तो हम डिजाइन मोड में आते हैं और यहां जहां नाम था वहां पे हम कंडीशन यूज कर देते हैं कि यहां पे पूजा होना चाहिए। अब क्या होगा, यस करूंगा, यस करता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये करेंगे यहां पे इसी पूजा को इसने रिप्लेस कर, समझे। तो मेके टेबल क्या करता है, टेबल बनाता है। लेकिन अब इसकी स्क्वायर व्यू में जाता हूं तो यहां देखिए, सिलेक्ट नेम इंक्वायरी सिटी कोर्स इनटू पूजा, ठीक है, फ्रॉम IMQ वेयर इज द पूजा सिटी। तो इसमें कहीं सिक्वल के लिए में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है टेबल क्रिएट करने, ठीक है सर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं यहां पे इनटू पूजा लिखा हुआ है, तो पूजा टेबल अपना आप हो जाइए। अब मान लीजिए मैं इस पे चेंज करके रख देता हूं, लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूं ताकि पैरामीटर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क पैरामीटर के लिए होता है, तो यहां पे मैं रवि रख दूंगा और मैं इसको सेव करता हूं। अब मैं डबल क्लिक करता हूं, यस करता हूं, यस, तो यार रवि कर दिया।
तो हर आपको यहां पे जाके डिजाइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है सर। इसकी जो सीक्वल क्यूरी है कुछ इस तरह से क्यूरी है, लेकिन यहां पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से क्यूरी लिखूं कि मेरा मुझे बार बार यहां पे जो टेबल नेम है वो नेम चेंज करना ना पड़े। तो इसको कैसे करेंगे, तो मेक ए टेबल करना, हाँ इसको हम क्यूरी के जरिए रन करेंगे, जैसे बीवी के जरिए हम दो अलग अलग क्यूरी को बना रन करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम डिजाइन में आते हैं, क्रिएट में डिजाइन क्यूरी, इसमें आपके सामने अपेंड आता है। अपेंड मतलब क्या हुआ, एक तो हुआ आपका मेक ए टेबल मतलब कि क्यूरी टेबल बना देता, अपेंड क्यूरी को हम इंसर्ट क्यूरी कहते हैं, मतलब कि आप अगर डेटा अपेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा डेटा अपेंड हो, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें रवि मोबाइल एंड सिटी एंड कोर्स है, तो नया और डेटा आप ऐड करना चाहते हैं इसमें रवि के अंदर में, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपेंड क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। अपेंड क्यूरी टेबल नेम, तो हमें टेबल किस में ऐड करना है, रवि में ऐड करना है, एंड ओके। तो यहाँ पे टेबल ऐड करता हूँ, तो मुझे इसमें से सी नेम मोबाइल सिटी एंड कोर्स, इसको मैंने यहां से क्यूरी फोर, अब मैं फोर क्यूरी जैसे क्यूरी नंबर फोर यस करो 110 रो इसके अंदर आ गए, रवि के अंदर आ गए, दिख रहा है, तो 110 रो रवि के अंदर आ गया, तो ये हमारा इंसर्ट क्यूरी है। अब इसकी सिक्वल कोड को अगर देखें तो पता चलेगा, इसने आप लिख दिया इंसर्ट इनटू रवि नेम मोबाइल सिटी एंड कोर्स सिलेक्ट इन, यहाँ पे सिलेक्ट इनटू नेम टेबल इंक्वायरी एंड कोर्स फ्रॉम द आईएन क्यू, तो इसमें इंसर्ट कमांड चला, इंसर्ट किसमें चला, किसमें करना था, इनटू में करना था, किसमें रवि में करना था, क्या करना था, ए करना था, और उसके वैल्यूज कौन से थे, तो ए वैल्यूज थे, तो इसको इंसर्ट कर दिया। तो मतलब कि एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा अगर डालना हो तो उस केस में हम अपेंड क्यूरी, इसका अपेंड क्यूरी का कोड वर्क करते हैं। अनिल जी समझ में आया आपको अपेंड क्यूरी? तो तुम्हारे कुछ ऐसा प्रश्न थी जो तुम भेजोगे? देखिए बताता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्रिएट पे गया, पे गया, और आपने जिस टेबल से डेटा लेना है उस टेबल को यहाँ पे रख दिया, राइट। मैं अपेंड क्यूरी पे क्लिक किया, जिस टेबल में ऐड करना है, जैसे मुझे पूजा में ऐड करना है, तो उस टेबल का नाम लिख दीजिए या उस टेबल को सिलेक्ट, क्लियर है? फोटो के टाइप पे पागल हो जाना। हेलो मैंने लॉजिक लगा, अनिल जी आवाज आ रही मेरी आपको? कई महीनों का कोडिंग है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने फील्ड सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस फील्ड को आप ऐड कर रहे हैं वो फील्ड एग्जिस्ट होने चाहिए जिस टेबल में आप ऐड करना चाहते हैं, ओके ठीक है। इसका ध्यान एक बार आप रखेंगे, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अपेंड क्यूरी, अब बात करते हैं अपडेट क्यूरी की, अपडेट क्यूरी का यूज क्यों होता है, जैसे कि अपडेट क्यूरी का यूज होता है किसी अपने डेटाबेस में किसी एक फील्ड को चेंज करना। अब यहाँ पे कमीशन आपको दिख रहा है सर, कमीशन ब्लैंक, मैं चाहता हूँ कमीशन जो है फीस का
10% भी फीस का मान 10% होना चाहिए, मुझे अपडेट करना है, ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, मुझे मैनुअली इसमें एंट्री करना है, तो उस केस में हम यूज करेंगे अपडेट। तो डिजाइन क्यूरी में जाते हैं, यहाँ डिजाइन क्यूरी में, और यहाँ पे अपने आई एन क्यू के ले लेता हूँ और यहाँ पे अपडेट पे आता हूँ, ठीक है। अपडेट में क्या अपडेट करना है, अब यहाँ पे अपडेट टू किस में अपडेट करना है, कमीज यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे देना होगा प्रोजेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 0.1%, ठीक है। जब परसेंटेज असेंबल ले लेते हैं ना, इसमें अपडेट करना है सीओ कमीशन, क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में कुछ नहीं है, मतलब कि कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है। मैं इसको यहां से सेव करता हूं, प्यूरीफाई, एक मिनट क्या बोलता है, हम उल्टा कर दिया सर, या कमीशन जिस फील्ड में अपडेट करना है, और यहां आपको देना है कि क्या अपडेट करना है, समझे। मुझे अपडेट करना है यहां कि जो फी है, फी को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10% से, यहाँ पे मैं अपडेट क्यूरी रन करता हूँ, डेटा में आइए, आई एम क्यू में हो गया, ऐसे अपडेट कर सकते हैं सर। अपडेट इनपुट सेट आई एन क्यू इक्वल टू ये आपका दिया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी और सीट से करना है, वो कैसे करेंगे, तो वो चीजें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप जो है यहाँ पे इस क्यूरी में, आप जो है तीन क्यूरी पर आपने बात किया डिजाइनिंग क्यूरी में, तो मेक ए टेबल, अपेंड क्यूरी, अपडेट क्यूरी, ये आपने जान लिया। क्रॉस टैब तो मैंने जब बताया था वही सेम है, डिलीट क्यूरी, कोई रो को डिलीट करना चाहते हैं, कोई मान लीजिए कंडीशन है कि भाई 15,000 वाली फीस है या जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो डेटा डिलीट हो जाए, तो उस डिलीट करने के लिए। अब यूनियन वगैरह क्या है ये हम बताएंगे जब आपको हम रिलेशनशिप समझाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा बिग स्क्रीन क्यूरी थी, स्क्रीन क्यूरी में के टेबल वाला सिस्टम है, वो पैरामीटर्स पर हम आपको हम अगली क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं कल सेम टाइम।